दोस्तों, आज के समय में ऑनलाइन गेम का क्रेज इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हर रोज नए नए गेम लॉन्च हो रहे हैं। ऐसी ही जापान की कंपनी नियोंटिक ने कुछ समय पहले एक गेम लॉन्च की थी जिसका नाम पोकेमॉन था। यह गेम सिर्फ इसलिए फेमस हो गया था क्योंकि इस गेम की लत बच्चों को काफी बड़े स्क्रीन पर लगती चली जा रही थी। लेकिन क्या आपको पता है, यह लत बच्चों तक ही सीमित नहीं थी। मिलिए ताइवान के रहने वाले 70 वर्षीय चेन सन बियोन से, जिनको की ये गेम की लत इतने बड़े स्क्रीन पर लगी हुई है। ये पूरे दिन साइकिल पर 40 या उससे भी अधिक फोन को कुछ इस तरीके से लगाकर पोकेमॉन गेम खेलते हैं। और इनके पास एक हैवी डीटी चार्जर है जिससे ये सभी फोन को चार्ज करते हैं, जिससे ये प्रतिदिन 20 घंटे गेम खेल सकें। फ्रेंड्स, आपकी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।